डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हाउ सीक्रेट चेंज माई लाइफ बुक से एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ मैं, और ये सच में अद्भुत है। इन्होंने अपना कैंसर कैसे ठीक किया जस्ट बाय यूजिंग द सीक्रेट। तो ये एक हेल्थ हीलिंग की कहानी है, और वो भी कैंसर को ठीक करने की। हम इसके अंदर देखेंगे कि इन्होंने क्या किया। ये सारी कहानियाँ इंग्लिश में हैं, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपके लिए हिंदी में लेके आती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डिवाइन टीसी के यूज़र नेम के साथ हैं। हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी के ऊपर या एक फ्री फॉर्म की लिंक है उसे भर के, या हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नंबर्स दिए गए हैं उसके ऊपर कॉल करके हमारा टैरो कंसल्टेशन या साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। द सीक्रेट को यूज़ करके कैंसर को ठीक करने की। ये एक लेडी है, 22 साल की है। ये लिखती है कि मैं द सीक्रेट को यूज़ करके अपना लास्ट स्टेज का कैंसर ठीक करने वाली 22 वर्षीय महिला हूँ। मुझे 2006 में पता चला कि मुझे सेकेंड स्टेज का कैंसर है, लेकिन 2 वीक के अंदर ही ये जो चीज़ है ये बढ़ती गई। उनके कैंसर के स्टेजेस है ये बढ़ते गए। मैं कीमोथेरेपी के सेशन ले रही थी। मुझे कैंसर का पता चलते ही मैंने अपनी फूड हैबिट्स चेंज किए, शाकाहारी हो गई, वेज खाना शुरू कर दिया। मैं स्ट्रेस से फ्री रहने की कोशिश करती थी, मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी, और अपने इलाज के लिए और सारी चीज़ों का ध्यान मैंने रखना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। हालांकि मेरे ट्यूमर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बदल रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा ही बढ़ रहा है कैंसर। खैर, ये इसी दौरान मुझे किसी ने द सीक्रेट की एक कॉपी सौंपी, और इसको पढ़ते पढ़ते, इसको देखते देखते मेरे सामने काफ़ी सारे खुलासे आए अपने बारे में। ये लिखती है कि जब मैं 8 या 9 साल की थी तो हमेशा डरती थी कैंसर से मरने से, और मुझे ये समझ में आया कि सीक्रेटली मैंने ही इस कैंसर को अपनी लाइफ के अंदर वेलकम किया है। इनके डर ने दोस्तों इनके जीवन में, इनके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इन्होंने जो फियर डाल दिया था, उसने इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर दिया इस कैंसर को। ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे बचपन के ट्रॉमास, हमारे बचपन की सोच हमारी ज़िंदगी में, रिश्तों में, हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए लोगों को काउंसलिंग चाहिए होता है, हीलिंग चाहिए होती है, थॉट्स की क्लैरिटी चाहिए होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ हुआ, हम सबके साथ होता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग हो गई सबकॉन्शियस माइंड की, फिर हम वैसे ही सोचते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही मैनिफेस्टेशन हमारी ज़िंदगी में होते हैं। द सीक्रेट क्या है? ये सिर्फ ऐसे नहीं कि पॉजिटिव सोचो कि तो ही पॉजिटिव होगा, आपकी हर सोच आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी। तो यही इनके साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में, और फिर इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इनको समझ में आ गया कि इनका जो बचपन का डर वाला थॉट था, इनकी जो नापसंद वाली चीज़ थी, इन्होंने इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली है। लेकिन
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव अमेजिंग बात ये लिखते हैं कि फिर मैंने फैसला किया कि अगर मैं इसे बना सकता हूँ कैंसर को अपनी बॉडी के अंदर, तो मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ। वाह, 100% राइट बात, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने आईने में अपने आप को देखा और कहा कि मैं 100 साल की हूँ, मैं एक शांतिपूर्ण निंद्रा में हूँ, अपने जीवन को बहुत स्वस्थता से 100% स्वस्थ तन से जी रही हूँ। मुझे इसके रिलेटेड विश्वास था और मैं ये कर रही हूँ, मैं अपने आप को देख पा रही थी। ये लिखती है, एक सप्ताह के अंदर मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मेरी जो डॉक्टर्स है वो ठीक नहीं है। मैं अपने डॉक्टर्स को चेंज करना चाहता था। एक आध हफ्ते के अंदर मुझे नए डॉक्टर्स का भी पता चला, मैंने उनसे इलाज करवाना शुरू कर दिया। ये आगे लिखती है कि इलाज के दौरान, नए डॉक्टर्स के साथ इलाज के दौरान मेरा ट्यूमर 20% तक कम हो गया। ये इनके पॉजिटिव होने के बाद की कहानी, इनके डॉक्टर्स भी इन्होंने बदल दिए। इनको शायद ये इंट्यूशन आया होगा कि मुझे ये डॉक्टर के साथ काम नहीं करना है। कुछ समय के बाद मैंने गूगल के ऊपर वो सारी चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर दिया जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। बस इनको मन में आया होगा, जैसे इंस्पायर्ड एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें आपको लगती है कि ये करो तो आपका काम बन जाएगा। यूनिवर्स ऐसे हाथ में आके तो आपको कुछ नहीं थमाएगा, क्योंकि वो अदृश्य है, वो फिजिकल नहीं है, ये आपका अवचेतन मन। लेकिन वो एक सोच के रूप में आपके मन में आता है कि आपको ये करना चाहिए। तो इनको ये आया कि जस्ट सर्च फॉर द डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज कि जिससे आप अपने आप को क्योर कर पाए। तो इन्होंने अपने जो वैकल्पिक तरीके हैं वो ढूंढना चालू कर दिया और अपने 100% स्वस्थ होने के ऊपर अपना ध्यान लगाना चालू कर दिया। इनका ध्यान बिल्कुल भी वहाँ नहीं था कि मेरी बॉडी में कुछ है, इनका ध्यान 100% वहाँ पे था कि मैं तो भाई बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एकदम स्वस्थ महसूस करता हूँ। देखिए ये आगे लिखती है कि कुछ ही महीनों बाद मेरा कैंसर बिल्कुल समाप्त हो गया, मैं दर्द से मुक्त हो गई, मैं एकदम नॉर्मल हो गई, मेरी बॉडी क्योर हो गई और मेरी कोई भी सर्जरी नहीं हुई। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि 2 सीक्रेट को यूज़ करके लोग 100% स्वस्थ और ठीक हो, और मैं ये लोगों को बता पाऊँ कि ये मेरी सच्ची कहानी है। ये आगे लिखती है कि ब्रह्मांड ईश्वर की शक्ति असीमित है और कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। निश्चित रूप से हम इस ब्रह्मांड के निर्माता है, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन थॉट्स, अवर ओन लाइफ, और हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हर एक चीज़। कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आशा की तलाश में मेरी कहानी तक आ पहुँचे हर एक इंसान को बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद। लेकिन कृपया आप सावधान रहे, आपका ध्यान मौत पर ना जाए, आपका ध्यान अपने जीवन पे जाए। आई स्वेयर ये पॉसिबल है अगर आप पॉजिटिव रहे। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्धारित है। दोस्तों ये कहानी अद्भुत विश्वास, अद्भुत पॉजिटिविटी की है। अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके 360 डिग्री का टर्न करने की है। एक चीज़ होती है कि आप बाहर पैसा मैनिफेस्ट करें, रिश्ता मैनिफेस्ट करें, और एक चीज़ होती है अपनी बॉडी को ठीक करें। ये बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, मेंटल ब्लॉक, कि ये तो फिर कैसे होगा। लेकिन इन्होंने ये किया। और बस अगर आपको सुन के अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना,
मेडिकल रीज़न के लिए जब आप LOE यूज़ करते हैं, आकर्षण का सिद्धांत या अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, तो मेडिकल हेल्प कभी बंद नहीं करनी होती है। इन्होंने भी नहीं की। आप मेडिकल हेल्प लेते रहिए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को समझ के, अपने अंदर से वो हीलिंग करने के लिए आपको एक सहारा चाहिए होता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेडिकल अपना काम करेगा, लेकिन आपका मन अपना। और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हमेशा आपके जीवन में स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो।